कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नए नए शोध हो रहे हैं। इस बीच अमेरिका के सेंट एंटोनिया स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास हेल्थ साइंस सेंटर के शोधकर्ताओं को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस शोध के तहत प्रतिरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों को अक्षम बनाने में कोरोना वायरस जिस प्रोटीन का इस्तेमाल करता है उसे रोकने का तरीका ढूंढ निकाला गया है। दरअसल शोधकर्ताओं ने दो मॉलिक्यूल विकसित किए हैं जो SARS-CoV-2 PL Pro की ओर से प्रयोग किए जाने वाले मॉलिक्यूल सीजर एंजाइम को रोकने का काम करते हैं। जर्नल साइंस में प्रकाशित शोध के अनुसार SARS-CoV-2 PL Pro मानव प्रोटीन को प्रोसेस करके संक्रमण बढ़ाने का काम करता है। शोध ये बताता है कि वैज्ञानिकों ने जिन अवरोधकों का विकास किया है वो SARS-CoV-2 PL Pro को रोकने में काफी हद तक सहायक साबित हो सकता है। यूटी हेल्थ सेंट एंटोनिया में बायोकेमिस्ट्री और स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर और शोध के वरिष्ठ लेखक शॉन के ओल्सेन का कहना है, ये एंजाइम दो तरह की दिक्कतें पैदा करता है। ये न केवल वायरस के लिए जिम्मेदार प्रोटीन को उत्तेजित करता है बल्कि संक्रमण पर वार करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को संकेत देने वाले साइटोकिन्स और केमोकिन्स नामक अणुओं को भी रोकता है। फिलहाल तो ऐसा माना जा रहा है कि इस नए शोध से कोरोना संक्रमण के लिए नई दवा बनाने में मदद मिल सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।